मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुत्तोर के गिरजा माई मंदिर से जामसावली पैदल पदयात्रा 158 किलोमीटर हर वर्ष हनुमान जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पैदल पदयात्रा निकालते हैं, जिसमें यहाँ के श्रद्धालु भक्तगण काफ़ी मनोरंजन के साथ में चलते हैं, जैसे डीजे बैंड नाचते गाते 158 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और ऐसे करते हुए इन लोगों को रास्ते में काफ़ी कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जिसमें इनका खाना पीना ये सारी चीज़ें इनको रास्ते में मिलते हैं। इसी प्रकार से इन लोग 158 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जामसावली पहुंचते हैं, और जामसावली पहुंचने के बाद वहाँ पे श्रद्धालु भक्तगण अपनी मन की मुरादें जो लेकर के आते हैं वो हनुमान जी से मांगते हैं कि हमारी ये इच्छा मन की जो है वो पूरी हो जाए तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से कई प्रकार के कई बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर में, और कई प्रकार की मन्नतें लेकर के, कई बीमारी वाले भी आते हैं और इस मंदिर में आकर के यहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा सुनने को आता है, और इसी प्रकार से होता भी है यहाँ का। तो यहाँ की श्रद्धालुओं की जनसंख्या अनगिनत है। मंदिर में ऐसी क्या विशेषता, क्या चमत्कारी क्या होती है यहाँ पे? अरे वहाँ पे कुछ नहीं चमत्कार, दादा के पास जाओ, आरती में खड़े हो वहाँ पे, और वहाँ दादा जी का खाते जाते हैं। अच्छा, वहाँ का तीर्थ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ जाने से मतलब लोगों की बीमारी शरीर से हटती है? हट जाती है। अच्छा भाई, आपको क्या परेशानी थी, कौन सी बीमारी थी आपको? डॉक्टर बता रहे कैंसर है। अच्छा भाई, ये हलने की बीमारी आपको कहाँ से, क्या ये बीमारी क्या है? हलने की बीमारी नहीं, हमको दादाजी परहेड़ दिया है, हमसे ज्यादा कुछ बोलना मत, हमसे चीड़ करना मत, मैं बताती हूँ सब बात। थोड़ा सा बीमारी है तो वो तो एक दो बार जाओ उसमें ठीक हो जाती है, जिसका बहुत सीरियस ही है तो वो सवा महीना रहना पड़ता है। सवा महीना कहाँ रहना पड़ता है? वहीं पे रहना पड़ता है, वहाँ धर्मशाला है, सरकारी है, उसमें किराया नहीं लगता। मैं और भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि ऐसी कोई कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो उन लोग भी जामसावली हनुमान मंदिर जाकर के अपनी मन्नतें मुरादें मांगें और अपनी जो बीमारी है उस बीमारी से छुटकारा पाएं।